नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत कर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज की खास रिपोर्ट में। व्यापारिक संघ द्वारा आज रामधाम से लेकर बद्री घाट तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुरुद्वारे बस स्टेशन से बसें शुरू नहीं होने के कारण, लेकिन इस संघ द्वारा रामधाम से लेकर बद्री घाट तक बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करने का असर, पुष्कर के गुरुद्वारे वाले बस स्टेशन से बस सेवा हुई शुरू। थोड़ी आगे ले ले तू गाड़ी में, बुकिंग कर हो जाएगी। जिसमें जो व्यापारियों की मांगे थी, उन मांगों के आधार पर कमेटी ने के साथ जो बातचीत हुई, बातचीत में निर्णय लिया गया कि सप्ताह भर के अंदर दो बसें अजमेर से लेकर गुरुद्वारा बस स्टैंड तक चलेगी और ये चार राउंड अप डाउन करेगी। इसके अलावा जो नगर निगम की जो सात बसें पहले अभी संचालित हो रही हैं बारह बस स्टैंड तक, तो नगर निगम से और कलेक्टर साहब से इसके बारे में पत्राचार करके उनसे वार्ता करके इन बसों का गुरुद्वारा से संचालन से करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो अजमेर से नागौर और बीकानेर की ओर जाने वाली जो बसें हैं जो रात्रि के समय नहीं ठहरती है, उनके बारे में भी जो ETD है इनके मुख्यालय उनको और कलेक्टर साहब को भी पत्र के द्वारा उनको निवेदन किया जाएगा कि उन बसों का भी नियमित रूप से ठहराव हो। मारा बस स्टैंड के साथ साथ जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर उनका ठहराव हो। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए एक काम जो है इनका जो टिकट काउंटर है वो भी नया बस स्टैंड के जो नीचे